ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में चंगर क्षेत्र के खुंडिया इकाई द्वारा शबनम हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि अगर इस मामले को पुलिस प्रशासन ने जल्द से जल्द नहीं सुलझाया तो विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन करेगी। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के चंगर क्षेत्र के खुंडिया इकाई द्वारा शबनम हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि अगर इस मामले को पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द ना सुलझाया गया तो विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन करेगी। परिषद ने कार्यकारिणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा मामले को आत्महत्या बताया जाना बहुत ही निंदनीय है, जबकि शव मिलने के बाद ही पूरे बाजार में अटकलें लगाई गई कि ये एक हत्या का मामला है। इस बारे में अंकुश धीमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने बताया कि खुंडिया इकाई ने आज शबनम हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, साथ ही ढलियारा कॉलेज के लैब अटेंडेंट द्वारा छात्रा के साथ की गई अश्लील हरकत की विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करती है और प्रदेश सरकार से ये मांग करती है कि उस लैब अटेंडेंट को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसके विरोध में कड़ा प्रदर्शन करेगी। परिषद इकाई खुनिया द्वारा शबनम हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद इस मामले की कड़ी निंदा करती है। वो प्रदेश सरकार को पुलिस प्रशासन से ये मांग करती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, साथ ही ढलियारा महाविद्यालय के लैब अटेंडेंट द्वारा छात्रा के साथ की गई अश्लील हरकत की विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करती है। वो प्रदेश सरकार से ये मांग करती है उस लैब टेंडर को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसके विरोध में कड़ा आंदोलन करेगी। वाले मेरे पास शब्द नहीं है यहाँ पे स्थानीय जनता के बीच में बोलने के लिए कि उसने क्या डिमांड रखी होगी। और ऐसे छात्र, ऐसे क्लर्क जो है वो अभी भी ढलियारा में बैठा हुआ है और आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, और उसके समर्थन में वहाँ के कुछ अध्यापक, वहाँ के कुछ राजनीतिक लोग उसके समर्थन में उतरे हैं। परंतु विद्यार्थी परिषद हमेशा एक छात्र संगठन के नाते छात्रों की आवाज बुलंद करती आई है, और कल से दो आंदोलन देहरा जिला में विद्यार्थी परिषद चलाने जा रही है, एक शबनम के न्याय की मांग और उस गुमनाम छात्रा के न्याय की मांग। कॉलेज प्रशासन प्रिंसिपल, तुम एक काम करो, आप विद्यार्थी परिषद का इतिहास देख लेना। विद्यार्थी परिषद ने अपने इससे जो भी काम लिया है उसको गंभीरता पूर्वक निभाया है। वो शबनम हमारी बहन थी जिसने सुसाइड, जिसको पुलिस प्रशासन बोलती है कि उसने सुसाइड किया है, और अपनी बहन के लिए इस छात्र शक्ति में हम लोगों में न्याय की मांग उस समय तक जीवित रहेगी तब तक जब तक हमें नहीं लगता कि उसको वास्तव में न्याय मिल गया है।